नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए खुद अनुविभागीय अधिकारी पंधाना ने टीम के साथ मुख्य बाजार में पहुंचकर शासन प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने वाले व्यापारियों सहित अकारण घूमने वाले वाहन चालकों व बिना मास्क लगाए व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए उन्हें आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार नियम तोड़ते हुए पकड़े जाने पर दुकानदारों और वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती बरती जाकर धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। खंडवा जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर नगर परिषद पंधाना के SDM राहुल गुप्ता द्वारा टीम गठित कर पंधाना नगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए खुद मोर्चा संभालते हुए मुख्य बाजार में पहुंचकर ऐसे लोगों के विरुद्ध जो बिना मास्क पहने अकारण बाजार में घूम रहे हैं और ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध जो स्वयं मास्क लगाए बिना दुकान पर आने वाले ग्राहकों को आवश्यक सामग्री बेच रहे हैं, साथ ही ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध भी चालानी कार्यवाही की जा रही है जो केंद्र सरकार एवं राज्य शासन के नियम का पालन ना करते हुए अपने 4 एवं 2 पहिया वाहनों से बिना किसी कारण के बाजार में घूम रहे हैं। टीम में शामिल SDM पंधाना राहुल गुप्ता, पंधाना तहसीलदार विजय सैनानी, नगर परिषद CMO मनसाराम बड़ोले सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। पंधाना में इस प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। जी, आपका परिचय है? जय कुमार बोल रहा हूँ। हाँ, शक्ति प्रोविजन का प्रोवाइडर हूँ जी। बताइए, जब आपके यहाँ पर ग्राहक वगैरह जो आते हैं उसके लिए आपने क्या क्या बता रहे, क्या संदेश दे रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। हम सबसे पहले तो हमारे कोई ग्राहक आता है तो सबसे पहले हम सैनिटाइज उनके हाथों को करवाते हैं। अच्छा। और हम खुद भी करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं। जो मास्क पहन के आता है उन्हें ही हम सामान देते हैं, भले मास्क पहन के नहीं आता, भले हमारा नुकसान हो जाए, बाकी बिना मास्क के हम अपना माल उनको नहीं दे सकते। अच्छा। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, एक अदृश्य शत्रु है जिससे हम आज पूरी दुनिया लड़ रही है। क्या यहाँ पर समय समय पर कोई अधिकारी वगैरह? हाँ, सतत मतलब बाजार में देखा जाए, जब से लॉकडाउन खुला है तो तब से सतत अधिकारी घूम ही रहे हैं, चालान कार्रवाई कर रहे हैं, जो फिजूल घूम रहे हैं, बेमतलब का बिना काम के अपने घरों से निकल रहे हैं, ये सब बीमारी को जिन्होंने मजाक में लेके रखा है अभी तक। बाकी सतत अधिकारी आपके घूमते रहते हैं और चालानी कार्रवाई करते रहते हैं। हमको क्या इस चालान से डर नहीं लगता, इस बीमारी से डर लगता है कि किसी के जरिए हमारे तक न पहुंचे। अभी तक ऐसे कई दुकानदार हैं जिनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की? हाँ, आया है, देख रहे हैं और पेपर में पढ़ रहे हैं, भी देख रहे हैं। जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। जो फिजूल घूम रहा है, बिना काम के अपने घर से निकल के घूम रहा है या बिना मास्क के घूम रहा है, उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी हमारी बात हुई यहाँ पर एक दुकानदार जय कुमार से, उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सतत जो ग्राहक आते हैं उनका सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद ही सामान दिया जाता है और बगैर मास्क वाले को तो बिल्कुल नहीं देते हैं। वहीं यहाँ पर देखने को मिला कि SDM द्वारा भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। अगर जो व्यक्ति मास्क बगैर घूम रहा है या फिजूल घूम रहा है उनके विरुद्ध, मोटरसाइकिल पर घूम रहा है उनके विरुद्ध, और जो दुकानदार जो बिना मास्क के सामान बेच रहे हैं या खुद मास्क नहीं लगाए हुए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। खबर समय जगत के लिए दीपक चौधरी की ये खास रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए खंडवा से सिटी रिपोर्टर मनीष भलराय के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।